पहले जो बात करते हैं HFCL की, 49 रुपए 10 पैसे का स्टॉक हो चुका है। लगातार स्टॉक में बेहतरीन मोमेंटम बना हुआ है, लगातार स्टॉक के टारगेट्स बहुत बेहतरीन आ रहे हैं। 450% का रिटर्न इस स्टॉक ने आपको एक साल में दिया है, तो एक अच्छा स्टॉक, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है हमारे सामने। टेलीकॉम केबल्स में ये बिजनेस करते हैं और लगातार एक बेहतरीन रैली में रहे हैं। और जब से 5G की यहाँ पर कॉल आई है कि 5G को ट्रायल के बेस पे डाल दिया गया है, तब से इस स्टॉक में कोई भी स्टॉपेज नहीं दिख रहा है। एक अच्छी रैली है। बात करेंगे इस वीडियो में क्या खरीदारी करनी बनती है, अभी भी खरीदारी करके पैसा बनाया जा सकता है या नहीं, खरीदारी करते हो तो क्या टारगेट लेकर के चलो, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आपको, बाजार में क्या चीजें हैं, क्या फैक्टर्स जो आपको वॉच आउट करने हैं। Q4 के रिजल्ट हमारे सामने बहुत बेहतरीन आए हैं HFCL के, और उसकी बदौलत यहाँ पर स्टॉक में और तेजी बरकरार रहने की उम्मीद है यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं, और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्ट से स्टार्ट करें अगर हम, तो चार्ट हमारा काफी कुछ बेहतरीन देखने को मिलता है। एक चीज आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कि स्टॉक में लगातार रैली बनी हुई है, और लगातार रैली की वजह से स्टॉक हमारा ओवरबॉट जोन में आ चुका है। आप देखेंगे तो स्टॉक में जो ग्रोथ है, ग्रोथ बहुत बेहतरीन है यहाँ पर। लगातार स्टॉक एक अपर मूव में है और स्ट्रॉन्गली बुलिश जोन में है। और इस समय पर क्योंकि 5G को अभी ट्रायल के लिए हामी भरी गई है DOT की तरफ से, तो उसका भी एक असर है यहाँ पर। HFCL के खुद के रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन आए हैं और इसका जो पोटेंशियल है वो काफी अच्छा है, और ये भी एक बड़ा कारण है। जो इंटरनल खबरें हैं हमारे सामने HFCL से रिलेटेड वो भी अच्छी है, और उसका भी असर है, ये अच्छी तेजी में है। बात करें यहाँ पर खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, तो MACD चार्ट पैटर्न हमारा बिल्कुल खरीदारी का है। MACD स्ट्रॉन्गली बुलिश जोन में है, हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड बन रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है। RSI की बात करें तो RSI कहीं ना कहीं ओवरबॉट जोन में जरूर देखने को मिलता है, और ओवरबॉट जोन में जब भी जाता है तो यहाँ पर गिरावट होती है थोड़ी सी, या न्यूट्रल जोन आता है। ये जो कैंडल्स बनी थी हमारी, ये ओवरबॉट जोन की वजह से आई है। तो कहीं ना कहीं देखो, पिछली वीडियो हमने यहाँ पर किसी, जब हमने कहा था गिरावट होगी, और 2 से 3% की गिरावट यहाँ पर हुई भी थी, वो एक सिचुएशन यहाँ पर भी आ सकती है। बट अगर लॉन्गर टर्म में अगर आप देखोगे तो HFCL आपको एक प्रॉफिटेबल स्टॉक देखने को मिलेगा। इस RSI क्योंकि ओवरबॉट जोन में है तो घबराना नहीं है, खरीदारी करने से रुकना नहीं है। डाउन साइड पे 42 का सपोर्ट लेकर के खरीदारी करनी है। अपर साइड पे 53.53 रुपए 80 पैसे का पहला टारगेट या पहला रेजिस्टेंस जोन है हमारा। इस दोनों लेवल्स के बीच हमारा अगला हफ्ता बीतने वाला है। मुझे लगता है कि स्टॉक हमारा मंडे ट्यूजडे और वेडनेसडे के बीच में ही 53.80 रुपए का लेवल ब्रेक करता हुआ दिखा देगा हमें, क्योंकि मोमेंटम में है स्टॉक अच्छा, और ये एक बड़ा कारण होने वाला है कि यहाँ पर स्टॉक जो है वो जल्दी ही यहाँ पर ब्रेकआउट देगा। एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर मिला है आपको। बाइंग चार्ट पैटर्न है, खबरें अच्छी हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, Q4 के नंबर्स अच्छे आए हैं, और बाजार की अगर हम बात करें तो बाजार भी काफी सपोर्टिव है। इस समय पर बाजार में भी काफी बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है। खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी आपको, HFCL में शॉर्ट टर्म में भी पैसा बनाया जा सकता है, बट मैं हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने की सलाह दूंगा, क्योंकि मार्केट को लेकर के आप बहुत ज्यादा भी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकते हो। तो शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करो, लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करने की सलाह मेरी रहेगी। 84 का टारगेट रहने वाला है मेरा HFCL में, और मुझे लगता है कि 1 से 1.5 साल में मोस्टली हमारा ये टारगेट पूरा होता हुआ देखने को मिलेगा। तो लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट मिलो, अगर कुछ पूछना हो तो थैंक यू।